हेलो दोस्तों। तो इंडिया का जो पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच, इसका दोस्तों अगस्त मंथ में कितना काम हुआ है कंस्ट्रक्शन का, जो कि दोस्तों बहुत ही स्पीड हो चुका है अभी बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर का काम है, क्योंकि गुजरात और मुंबई के दोनों के अंदर ही दोस्तों जो काम है बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है फिलहाल के डेज़ में। इसीलिए दोस्तों अगस्त महीने में गुजरात के अंदर कितना काम हुआ है वो बताते हैं। चलो तो देख सकते हो वलसाड से अहमदाबाद के बीच जो है कॉरिडोर है, जो कि पूरा का पूरा गुजरात के अंडर आता है, उसका काम अगर आप लोग देखेंगे पूरी तरीके से बहुत ही स्पीड से चल रहा है और पिलर वर्क्स देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। और ये भापी रेलवे स्टेशन का जो काम है वो भी बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े स्टेशन हैं और इसमें यूज़ किया जा रहा है बहुत ही भारी भरकम जो सामान है, जो कि इंजीनियर्स के दोस्तों मशीनें हैं वो यूज़ किया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कास्टिंग यार्ड है वलसाड का। तो वलसाड में दोस्तों सभी अलग अलग जगह में जितने भी आप लोगों को लेफ्ट साइड में आप लोगों को जो मैप दिख रहा है उसके अंदर आप लोगों को जो नाम दिख रहा है सभी जगहों के, उसके अंदर जो है वायाडक्ट बनाने का जो काम है दोस्तों कास्टिंग यार्ड वो भी बना दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है वलसाड से लेकर अहमदाबाद के बीच जो काम है सबसे तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि गुजरात के अंदर जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पार्ट है दोस्तों सबसे ज़्यादा है। लगभग 350 किलोमीटर का जो पार्ट है वो गुजरात के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात है अनुराग रिवर के ऊपर जो काम है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना तेज़ी से चल रहा है ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का, जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये जो गटर कनेक्टिंग का काम है वो भी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और अगर आप लोग देखेंगे दूसरे जगहों में जो काम है वो थोड़ा सा डिले है, अगर गुजरात से कंपेयर करें जाए गुजरात के अंदर जो काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये आप लोग बिलमोड़ा का जो रेलवे स्टेशन है वो भी देखिए। और इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे ये जो जितने भी कंक्रीटिंग करने का काम है और वायाडक्ट को कनेक्शन करने का काम है, पिलर को कनेक्शन करने का काम है पूरी तरह से हो चुका है। अंबिका रिवर के ऊपर जो दोस्तों ब्रिज का काम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह दोस्तों वलसाड से नवसारी और आ चुके हैं, और नवसारी से निकलते हुए अगर आप लोग देखेंगे पूरी तरह से जितने भी काम हैं जितने भी वायाडक्ट कनेक्शन का काम है वो हो चुका है। और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं नवसारी से अगर आगे चलेंगे, मैंने जितना देखा दोस्तों नवसारी से आगे जितने भारूच तक ज़्यादातर जितने भी आप लोगों को कनेक्टिंग करने का काम हुआ है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अंदर, जितने भी आप लोगों को देख रहे हैं ना, इसका साइड में बैरिकेड करने का जो काम है वो भी कंक्रीटिंग से ही किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है बैरिकेड लगाने का भी जो काम है नवसारी के आगे आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दोस्तों इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होने वाला है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से लेके गुजरात के अहमदाबाद के बीच चलाए जाएंगे, क्योंकि टोटल 508 किलोमीटर का सेक्शन है और इसके बीच 350 किलोमीटर का लगभग गुजरात के अंदर आता है और लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा वो आता मुंबई के अंदर महाराष्ट्र। इसके बाद जो पूर्णा रिवर के ऊपर थे सबसे पहले जो है इसमें जो है ब्रिज बनाने का काम वो सबसे पहले हुआ था इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का। तो इसी तरह जैसे कि नवसारी से अब सूरत की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग और काम जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो आप लोगों को ज़्यादातर जो इलाका है गुजरात के अंदर उसमें बहुत ही तेज़ी से काम चढ़ते हुए आप लोग देखेंगे। लेकिन हाँ ऐसा बात नहीं कि मुंबई के अंदर थोड़ा सा डीले है लेकिन काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है। जो मुंबई का बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो एकदम अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, उसका भी जो काम है बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा फिलहाल के डेज़ में। और अभी जो है एकदम करेंट टाइम की अगर बात करें पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो कि 508 किलोमीटर का है इसके अंदर बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो इसी तरह अगर सूरत के अंदर आप लोग देखेंगे इसमें भी वायाडक्ट कनेक्शन का काम और जो छोटे मोटे जो नदी है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मिंधौला रिवर के ऊपर जो पूरा का पूरा कनेक्टिंग करने का काम है, जितने भी पिलर्स हैं उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। और इस जगह में काम कर रहा FSLG 5 जो मशीन है आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर का, ये जो मशीन है दोस्तों इसके एक बहुत ही खास बात है, ये पहले तो 4 मशीन जापान के साथ कोलाब्रेशन में इंपोर्ट करके यहाँ पर लाया गया था और फिर बुलेट ट्रेन का काम किया जा रहा था, लेकिन अभी जो है दोस्तों पूरा का पूरा 8 मशीन है जो कि इंडिया में डेवलप किए गए हैं। 4 तो बाहर से लाए गए थे और 4 इंडिया में डेवलप किए गए हैं। तो इससे समझ रहे दोस्तों मेक इन इंडिया के भी इसमें यूज़ किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत आप लोग देख सकते हैं सूरत रेलवे स्टेशन जो है बुलेट ट्रेन का कितने बड़े हैं। तो जब बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेंगे बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसी तरह तापी रिवर के ऊपर जो काम है वो डिले दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि तापी रिवर के ऊपर जो पानी का मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए काम भी है थोड़ा सा डिले चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 2027 का डेडलाइन है, शायद उसका पहले पूरा हो जाएगा ये पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। तो अगर इसी तरह देखते रहें तो वलसाड से लेके अब भारूच को क्रॉस कर चुके हैं और ये है दोस्तों भारूच का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है। और इसके आगे चलते हुए जो FSLG जो 4 मशीन है दोस्तों वो काम कर रहे हैं। तो बहुत ही जो अलग अलग मशीनें का यूज़ किया जा रहा है इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में, हालांकि आप लोगों को अगर पता नहीं तो
मैं बता देता हूँ, ये जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है दोस्तों, ये इंडिया और जापान के कोलेबोरेशन में बन रहा है। जापान पूरी तरीके से इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में हेल्प कर रहा है। और इसमें और एक जो खास बात दोस्तों, इसमें शिनकानसेन बुलेट ट्रेन चलाए जाएंगे, जो कि वर्ल्ड का सबसे तेज बुलेट ट्रेन है। कोई भी ट्रेन हो दोस्तों, सबसे तेज वही है, जो कि जिसका नाम है शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, जिसका यूज़ हम लोगों का इंडिया में भी किया जाएगा, जिसका दोस्तों प्रोडक्शन जो है अभी होने वाला है। जो बुलेट ट्रेन है दोस्तों, वो इंडिया आ चुका है, और इंडिया के लिए इंडिया की तरफ से जितने डिज़ाइन बदलने हो गए वो अभी बदले जा रहे हैं। तो ये भी शायद पिछले एक दो साल के अंदर इंडिया का जो बुलेट ट्रेन है वो भी दिख जाएगा हम लोगों को, किस तरह का होने वाला है। हालांकि शिनकानसेन टेक्नोलॉजी में, जो कि लगभग लगभग मैक्सिमम 320 से 350 किलोमीटर का स्पीड पर आवर आप लोगों को दिखने वाला है, तो मज़े आ जाएंगे दोस्तों। 2 घंटे के अंदर मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच जो रास्ता है वो हम लोग क्रॉस कर सकेंगे इजीली। तो इसी तरह अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, बड़ोदरा में आ चुके हैं, और ये माही रिवर के ऊपर काम भी बहुत ही चल रहा है, और इसका अगर देखेंगे जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है लग रहा है। और FSLG 8 मशीन आगे आप लोगों को दिखने वाला है, जो कि काम कर रहे हैं आनंद की जगह पे, जो कि गुजरात आता है। तो इसी तरह जो काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है गुजरात के अंदर, जो मारुच ओला का जितने भी काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो देखते हैं ये जो काम है कब तक पूरा होता है, तो इसका ट्रायल रन कब तक किया जाता। हालांकि 2027 तक इसका डेडलाइन है, लेकिन उसके पहले ही हम लोगों को लगता है कि इसका जो काम है पूरा हो जाने वाला है, क्योंकि जब तक मोदी सरकार रहेंगे हम लोगों का सेंट्रल में, तब तक काम भाई स्पीड से ही चलने वाला है, ये मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि मोदी सरकार अगर नहीं होते तो शायद ये भी काम इतने जल्दी नहीं होता। हालांकि डिले तो हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों, काम तो डिले होंगे ही, इतने बड़े बड़े जब काम हैं तो होंगे ही, कोई बात नहीं। तो लेकिन इसी तरह अगर आप लोग देखेंगे तो अहमदाबाद के बीच आ चुके हैं हम लोग, पूरा भलसा से लेके अहमदाबाद के क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप लोग देखेंगे जो अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन स्टेशन है ना, वो इंडियन रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन है उसी के पास ही बनाया गया। तो सभी को कनेक्ट करने के लिए ये जो बुलेट ट्रेन है वो बनाए जा ही रहे। ये देख सकते हैं बुलेट साइड में, लेफ्ट साइड में इंडियन रेलवे और राइट साइड में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का। और ये है दोस्तों साबरमती मल्टी मॉडल टर्मिनल, जिसके साथ कनेक्शन होगा सभी तरह की सुविधाएं, मॉल, एरोप्लेन, मेट्रो, सभी तरह के जितने भी सुविधाएं होते हैं वो सभी रहेंगे। तो इसी तरह का जितने भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा अपडेट है दोस्तों, वो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल पे विजिट करो, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।